भारतीय जनता पार्टी देश भर से आज संगठन पर्व के नाम पर तैयारी शुरू किया है। जो 6 साल के एक बार मेंबरशिप होता है, आज 2014 में मेंबरशिप जो हुआ है, ये 24th है, उसका 10 साल का समाप्त होता है। आज फिर नया मेंबरशिप लेने का सभी अभी तक जितने भी करोड़ों लोग मेंबरशिप है, सभी लोग फिर मेंबरशिप रिन्यूअल करने का समय आया है। इसके लिए तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप का वर्कशॉप आज किया है। हम तेलंगाना में जो लोकसभा चुनाव में हम 8 सीट जीते हैं, लगभग 77 लाख वोट्स पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद देकर वोट दिया है। आज तेलंगाना में मजबूत होना चाहिए। तेलंगाना में आने वाले दिन में सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास जारी रखे हैं। इसके संदर्भ में जो मेंबरशिप होगा, इस मेंबरशिप में भी हम हर गांव में हर समाज के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए पूरा कार्यक्रम का तैयारी करें, इसी दृष्टिकोण से आज में वर्कशॉप हुआ है। लोन वेवर के ऊपर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी ने कल प्रोटेस्ट स्टेटमेंट पर अनाउंस किया सर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार हम हमारे किसान मोर्चा का नेतृत्व में पहली संघर्ष हमें शुरू किया है। जो तेलंगाना सरकार रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में जो 5 गारंटी 6 गारंटी के नाम पर जो किसानों का कर्जा लोन वेवर करतुम बोल के वादा किया है, सत्ता में आने के बाद वो अभी December 9th को पूरा लोन वेविंग करते वादा किया। आज दिसंबर ने अगस्त आया, फिर भी आज 50% ही लोग अभी लोन वेविंग का उनका लिस्ट में है, और 50% लोग अभी तक लोन वेविंग करेंगे नहीं करेंगे कुछ बताए भी नहीं। आज किसान बहुत गुस्सा में है, नाराज में है, आक्रोश में है। तेलंगाना भर में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। मैं कांग्रेस सरकार से डिमांड करता हूं, जो तेलंगाना का किसानों के लिए जो वादा किया है, तेलंगाना का जनता के लिए जो वादा किया है, 6 गारंटी के नाम पर अलग अलग डिक्लेरेशन के नाम पर लगभग 400 से ज्यादा जनता के लिए वादा किया है, सत्ता में आने के बाद कोई भी वादा पूरा नहीं कर रहे। मैं डिमांड कर रहा हूं तेलंगाना किसानों के तरफ से, जो 2 लाख रुपए जो कर्जा लिए थे वो तुरंत वापस कर, कर्जा माफ करना चाहिए जो वादा के हिसाब से। जब तक लोन वेविंग नहीं करेंगे किसान शांति से बैठने वाले नहीं हैं।